अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हो? अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हैदराबादी मज़ेदार पकवान। मेरा नाम है सईदा नाज़रीन। आज मैं लेकर आई हूँ हाश रेसिपी जो उपमा रवे से बनी हुई है। अगर आप चाहे तो इसे चावल से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे उपमा रवा यूज़ किया है। ये एक्चुअली रमज़ान में बहुत ही शौक से पीते हैं लोग डेली। आप इसे इस रेसिपी को ज़रूर बना ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लजीज होती है ये। चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ मैंने भगोने में तेल ले लिया था, उसमें प्याज डाल दिया है मैंने। प्याज को अच्छी तरह से लाल कर लें। जब ये लाल हो जाएगी इसके अंदर हम दही डालना है। मैं वीडियो ले रही से देखती हूँ, मेरे पीछे पीछे बच्चे भी आ गए। सलाम करो, सलाम बोलो, रमज़ान मुबारक बोलो। चलो अपना अपना इंट्रोड्यूस करो सब लोग, कौन कौन अपना अपना नाम बोलो। मेरा नाम उमेमा फातिमा। मेरा नाम हनीसा फातिमा। मेरा नाम है मेरा नाम ऐशा फातिमा। और ये कौन है? हमारी प्याज लाल हो चुकी है, अब हम यहाँ इसमें दही डालेंगे। दही को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का सा पका लेंगे यानी। फिर मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। और ऐड कर दिया है नमक, पुदीना, हरी मिर्ची, कोथमीर। अब इसे भी मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी। जब इसमें तेल छूटने लगेगा, जब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब ये हमारा अदहन जो हमने चढ़ाया था वो औटने लग गया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके रवा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा रवा ऐड करके इसे जब कभी भी हिलाएंगे, वरना लम्स बनने के चांसेस रहते हैं इसमें। हमें इसे गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं रखना है, जितना हो सके उससे हमें एकदम पतला रखना है। चलिए हमारी हाश बनके रेडी हो चुकी है। आप इसमें चाहे तो दाल डाल के खाएं या बूंदी, ये आप पे डिपेंड है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर जो डाइटिंग कर रहे हो, डाइट पे हो, अगर इस रेसिपी को अगर आप रोज़ बना के भी पिए तो ये हेल्दी फूड है। यहाँ पर मैंने इसे अनार से डेकोरेट किया है। थैंक यू नाज़रीन, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम।
अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।